If you notice me while teaching, what I do sometimes, I do this. देखा कभी आप लोगों ने ऐसा? You have taken some classes. I sometimes do this. क्या बोलते हैं उसको आप हिंदी में? चुटकी बजाना. चुटकी बजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनी गेसेस? एनी गेसेस? नहीं बोलेंगे स्नैप द फिंगर्स. बोले चुटकी बजाने को क्या बोलते हैं? स्नैप द फिंगर्स. कैसे बोलते हैं? बोलो बोलो. स्नैप द फिंगर्स. तो आपके मन में सवाल आएगा, व्हाई डू यू स्नैप योर फिंगर्स व्हाइल टीचिंग? कि आप पढ़ाते हुए अपनी मतलब ये चुटकियां क्यों बजाते हो? वैसे क्या पूछा आपने? Why do you snap your fingers while teaching? Repeat. Why do you snap your fingers while teaching? Coordination के साथ. Why do you snap your fingers? Why do you snap your fingers? While teaching. While teaching. Reason बता दो आप लोगों को. हाँ, attention के लिए. आपका ध्यान इधर उधर जा रहा होता है, ऐसे करता हूँ तो आप मुझे देखते हो, हाथों को देखते हो. अच्छा, कुछ बोल रहे हैं. Yes, I snap my fingers. I snap my fingers. To draw your attention. I snap my fingers. To draw attention. So let's snap the fingers together. Last वाली line का मतलब सर, एक साथ क्या करेंगे? अब चुटकी बजाएंगे. So let's snap the fingers together. मैं ऐसा क्यों करवाता हूँ आप लोगों से? अभी चुटकी बजानी हम लोगों को, सिखाऊंगा कैसे बजाती. ठीक है, ऐसा क्यों? वो कहता है टेल मी And I forget. Teach me. And I remember. Involve me. And I learn. सिर्फ बता दूंगा, हो सकता है भूल जाओगे. पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, हो सकता है तुम्हें याद रहे, चीजें याद रहे. और जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व आप हो जाते हो, उस केस में आप चीजों को सीख जाते हो. एंड वी हैव टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश. उसके लिए क्या जरूरी? इन्वॉल्वमेंट, आपका पार्टिसिपेशन. ठीक है, लास्ट की लाइन थी, सो लेट्स स्नैप द फिंगर्स टुगेदर. चेंज, सो लेट्स स्नैप द फिंगर्स साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब टुगेदर ही होता है. दो काम जब आप एक साथ कर रहे होते हैं, वहां पर साइमल्टेनियसली का इस्तेमाल किया जाता है. और नॉर्मली टुगेदर के साथ भी, मतलब टुगेदर की जगह साइमल्टेनियसली वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, दोबारा बोलेंगे, सो लेट्स स्नैप द फिंगर्स साइमल्टेनियसली. टू बी अ ग्रेट स्पीकर यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर. सुन तो लिया करो, पहले ही बोल दिया था आपने. सो लेट्स स्नैप द फिंगर्स साइमल्टेनियसली. Raise your hand. A bit lower. Towards your shoulder. Open your fingers. Fingers name आते हैं आप लोगों को? Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? Four finger भी बोलते हैं. ठीक है, index finger भी बोलते हैं. बोलेंगे index finger. Index finger. Name? Index finger. ये चलो कोई बात नहीं. क्या बोलते हैं? ठीक है, इस वाली को रिंग फिंगर. इस वाली को क्या? क्या? बेबी फिंगर. पिंकी भी बोल देते हैं, लिटिल फिंगर भी बोल देते हैं. अभी बोलेंगे दोबारा से एक बार, क्या था? थंब. इंडेक्स फिंगर. सारे नाम तो समझ आ रहे हैं आपको, थंब है ना, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है. इंडेक्स फिंगर का लॉजिक समझ आया, क्यों बोलते हैं इसको इंडेक्स? अच्छा, फोर फिंगर का लॉजिक भी ये है कि सबसे पहले उंगली हमारे पास, क्योंकि थंब तो अलग चीज है, ये उंगली हमारे पास, फोर फिंगर हमने बोल दिया. एक भाषा और होती है, आपने सुना होगा लैटिन भाषा. हाँ, तो इंडेक्स जो वर्ड बना इंडिको से बना, इंडिको. इंडिगो नहीं है, जीओ नहीं आएगा, सीओ आएगा लास्ट में. आई एन डी आई सी ओ बोलेंगे इंडिको. इंडिको का मतलब होता है टू पॉइंट आउट. का मतलब होता है पॉइंट आउट का मतलब समझते ना, किसी को पॉइंट आउट करना. यू कम हियर, यू कीप साइलेंस, यू गेट आउट ऑफ हियर बोल सकते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस उंगली से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इंडेक्स फिंगर.
बाकी तो सारे आपको लॉजिक समझ आ रहे हैं. नाउ यू आर गेटिंग, यू हैव गॉट द नेम, फिंगर्स नेम. एंड अगेन रेज योर हैंड्स, दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज थंब. यू हैव टू प्रेस योर मिडिल फिंगर अगेंस्ट द थंब. डू दिस, फोल्ड योर व्हाट वाज द नेम, रिंग फिंगर एंड पिंकी फिंगर और बेबी फिंगर और लिटिल फिंगर. फोल्ड, प्रेस हार्ड एंड क्लिक स्नैप. यू कैन डू इट. ओके. आई एम रिपीटिंग ऑल द सेंटेंसेस अगेन. व्हेन आई से द लास्ट सेंटेंस, लेट्स स्नैप द फिंगर्स टुगेदर. दिस यू हैव टू, दिस. ऑलराइट, गॉट मी? व्हाई डू यू स्नैप योर फिंगर्स? आई स्नैप माई फिंगर्स टू ड्रॉ योर अटेंशन. सो लेट्स स्नैप द फिंगर्स टुगेदर. अरे भैया आप तो कर ही नहीं रहे हो. अभी कहानी सुनाई ना मैंने, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न. डोंट वॉन्ट टू लर्न, जस्ट डू इट अगेन. लेट्स गो अगेन. व्हाई डू यू स्नैप योर फिंगर्स? आई स्नैप माई फिंगर्स टू ड्रॉ योर अटेंशन. सो लेट्स स्नैप द फिंगर्स टुगेदर. I forgot. I'm sorry. Repeat. Why do you snap your fingers? I snap my fingers to draw your attention. So let's snap the fingers together. ठीक है. अच्छा, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि सामने गाना गा रहा होता है ऑडियंस अपने आप ही गाने के साथ. हाँ, इसका मतलब क्या होता है, आप गाने के साथ वाइब कर रहे होते हैं. आपको गाना अच्छा लगा, उसने बोला नहीं था आप लोगों को कि हे ऑडियंस स्नैप द फिंगर्स विद मी, आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, विल यू वांट टू डू इट. उसने आपको कुछ नहीं बोला होगा, आपको गाने के साथ वाइब आई, आपको अच्छा लगा कि भाई सही गाना, तो आप अपने आप शुरू हो जाते हैं. तो उस केस में भी हम स्नैप द फिंगर्स करते हैं, फिंगर स्नैपिंग बोलते हैं नॉर्मली. और नॉर्मली जो इसका यूज यही है कि टू ड्रॉ अटेंशन. ठीक है, स्नैप द फिंगर्स आप लोगों को अब याद रहेगा, इतना कुछ हम लोगों ने कर लिया. ठीक रहेगा यहाँ तक?